हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेक्नोपार्क। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू चेंज योर नॉर्मल डिफॉल्ट कर्सर टू मैकओएस कर्सर, यानी अपने नॉर्मल विंडोज के कर्सर को मैकओएस के ब्लैक कर्सर में कैसा बदला जाए। तो आप मेरे स्टेप्स को केयरफुली पढ़िएगा और फॉलो करिएगा। स्टेप वन है सर्च कर्सर एंड पॉइंटर। अगर आप विंडोज 8 या विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो आप सेटिंग्स में जाकर भी कर्सर एंड पॉइंटर सर्च कर सकते हैं। मेरा विंडोज 10 है इसलिए मैंने यहाँ सर्च कर लिया कर्सर एंड पॉइंटर। अब ओपन में क्लिक कीजिए, यह है स्टेप टू। क्लिक ओपन, आपका सेटिंग्स खुल जाएगा और कर्सर एंड पॉइंटर खुल जाए। अब आपको सेकंड वाला ब्लैक कलर का मिल रहा है, उसमें क्लिक कर दीजिए तो आपका ब्लैक कर्सर बन गया, आप देख सकते हैं। अब आप साइज़ को बढ़ा के 2 में कर दीजिए, क्योंकि भाई हमें मतलब आपका कर्सर बड़ा करके दिखाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका लुक कैसा है हर जगह से, यानी अभी आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है हमारा कर्सर। अब मैं आपको गूगल क्रोम खोलकर इसका लुक दिखा रहा हूँ ऊपर नीचे करके। इसका हैंड वाला ऐसे दिखता है कुछ, और इसका आई शेप जो टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखते हैं उस ऐसा कुछ दिखता है, और इसके ऊपर से जब नीचे हम खींचते तो ड्रैग वाला वो भी ऐसा कुछ दिखता है। आप राइट वर्ड्स का भी देख सकते हैं, लेफ्ट वर्ड्स का कुछ ऐसा दिखता है। तो यार लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप मैं अगर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल को आप में बहुत आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है अगर आप इस चैनल की वीडियोस डेली देखते रहे। तो दोस्तों, अगर आपको वापस अपना नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कर्सर में जाना है तो आप वापस कर्सर एंड पॉइंटर में जाइए, ओपन में क्लिक कीजिए, आपका फिर से सेटिंग्स खुलेगा और आप स्टार्टिंग वाला अपना वाइट वाला क्लिक करके अपना साइज़ भी 0 में कर दीजिए, यानी 1 में क्लिक कर दीजिए। यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।